ओके सो इमेजिन अ प्लेस जहाँ पर आप जो भी चीज विश करें वो 100% रियल हो जाए, इवन थो इफ यू वांट टू ब्रिंग बैक अ डेड। यस, और इस वीडियो में हम करते हैं एक ऐसे ही कंसेप्ट पर बनी मूवी को एक्सप्लेन, जिसका नाम है द फैंटेसी आइलैंड। और इस मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि डर के भाग रही होती है कुछ लोगों से, और हेल्प मांगने के लिए ये एंटर करती है एक घर में विच इज मोर लाइक अ रिजॉर्ट। और इसके वहां पर जाते ही बजने लगती है एक टेलीफोन की घंटी, जिसका यूज करके ये लेडी हेल्प मांगती है कि कुछ लोग उसे किडनैप करना चाहते हैं वहां पर। और इतनी सी बात सुनकर वो पर्सन इसे भरोसा दिलाता है कि मदद आती ही होगी। और जैसे ही वो इसका नाम लेता है, इसे यहाँ पर होता है शक, क्योंकि इस लेडी ने अपने बारे में अभी तक कुछ भी नहीं बताया होता उस दूसरे पर्सन को। और ठीक यहीं पर कुछ लोग आते हैं इसे लेने, जिसे ये लेडी अपने आप को बचाने के लिए थोड़ी बहुत करती है संघर्ष, बट एंड तक वो उनके सामने टिक नहीं पाती। और कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है अगले दिन में, जहाँ पर ठीक इसी जगह पर आती है एक प्लेन, और इस रिजॉर्ट में रहने के लिए आते हैं 5 लोग जिन्होंने किसी कॉन्टेस्ट में इस जगह की ट्रिप जीती होती है फॉर 1 वीक। और इस आइलैंड में इनका स्वागत करती है जूलिया नाम की ये लेडी, विद एश्योरेंस कि उनकी सारी डिजायर्स का ध्यान रखा जाएगा ताकि उन्हें कोई भी शिकायत का मौका ना मिले। और इन सब को इस आइलैंड में आते हुए देख रहा होता है एक पर्सन, जो कि आगे चलकर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन सब की जान बचाने में। अभी के लिए इन सभी को उनका सेपरेट रूम दिया जाता है एज पर देयर इंटरेस्ट, जिसे देखकर ग्वेन नाम की लेडी काफी अमेज होती है और जूलिया से पूछने लगती है कि उसे कैसे पता चला उसके टेस्ट और इंटरेस्ट के बारे में, जिसे जूलिया एक तरह से बचने की कोशिश करती है उसे डायरेक्टली आंसर ना करने की, और कहती है कि मिस्टर रॉर्क उसे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं, वो बस कुछ ही दिन पहले वहां पर ज्वाइन हुई है। जबकि असल में जूलिया मिस्टर रॉर्क की ही वाइफ होती है, और यहां से निकलकर जब ये जाने लगती है तो इसके नाक से निकलता है खून, मींस कि कुछ तो गड़बड़ होता है उसके और इस जगह के साथ, और वो कुछ तो छुपा रही होती है उन सभी लोगों से। और उसके जाने के बाद सीन यहाँ से शिफ्ट होती है ग्वेन की तरफ, जो कि चेंज कर रही होती है अपने रूम में, और इसे सुनाई देती है पानी के टपकने की आवाज, जिसे देखने के लिए जब ये अपने बाथरूम में जाने लगती है तो इसे वहां पर फुटप्रिंट्स दिखाई देते हैं, बट उस रूम के अंदर कोई भी नहीं होता। और जैसे ही वो बाहर जाने लगती है, इसे आईने में दिखाई देता है एक जला हुआ पर्सन, जिसे देखकर वो थोड़ी सी डर जाती है, बट पीछे मुड़ने पर वहां पर कोई भी नहीं होता, यहां तक कि उस पर्सन का फुटप्रिंट भी वहां से गायब हो जाता है। इसलिए उसे सिर्फ अपना भ्रम समझकर ग्वेन बाकी के लोगों से मिलने के लिए जाती है, जहां पर सभी लोग बातें कर रहे होते हैं कि वो लोग किस तरह से उनकी फैंटेसीज या विशेष को फुलफिल करेंगे। और इस बात का आंसर देते हुए गेस लगाती है मेलनी कि वो लोग वर्चुअल रियलिटी का यूज करेंगे, लाइक वीडियो गेम स्टफ और मे बी हेलोग्राम। और इन सब के क्वेश्चन का आंसर करने के लिए यहाँ पर आता है मिस्टर रॉर्क, और कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उनकी फैंटेसी 100% रियल होगी, जैसे कि वो रियल लाइफ में ही एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बट उन्हें अभी के लिए सच नहीं बताता कि एग्जैक्टली वो ये सब कैसे करेगा। और इन सब की फैंटेसी को शुरू करने से पहले उन्हें इस आइलैंड का रूल बताता है कि उन्हें सिर्फ एक फैंटेसी, मतलब कि सिर्फ एक विश मिलेगी, उससे ज्यादा नहीं, और हर किसी को अपनी फैंटेसी को एंड तक जीना होगा। देयर इज नो मिड वे कि आप बीच में ही उसे बंद करने के लिए कहें। और सबसे पहले फैंटेसी फुलफिल की जाती है इन लोगों की, जिनका नाम होता है जेडी एंड ड्रैक्स, और रॉर्क इन्हें लेकर जाता है एक धमाकेदार पार्टी में, जैसा कि उन लोगों ने इमेजिन किया होता है इस जगह के बारे में। एंड नॉट जस्ट दैट, इनकी पर्सनल डिजायर्स का भी ध्यान रखा जाता है, जैसे कि जेडी को पसंद होती हैं लड़कियां, तो वहीं उसके भाई ब्रैक्स को पसंद होते हैं लड़के, और रॉर्क उन्हें सब कुछ लाकर देता है एज पर देयर फैंटेसी। और ठीक यहीं पर वो जला हुआ पर्सन एक बार फिर से आता है, जो कि दिखाई देता है सिर्फ ब्रैक्स को, बट वो भी इसे अपना भ्रम समझकर इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। और सीन यहाँ से शिफ्ट होती है अगले दिन पर, जहाँ पर ग्वेन को बुलाया जाता है उसकी फैंटेसी के लिए, जो कि थोड़ी सी डिफरेंट होती है एज पर रॉर्क, क्योंकि ग्वेन की फैंटेसी होती है खुश रहना, और वो भी अपने पार्टनर के साथ, जबकि वो सिंगल होती है, और इसलिए रॉर्क उससे उसका रीजन पूछता है कि उसने ये वाली फैंटेसी क्यों चुनी, जिससे ये कहती है कि अगर वो नहीं कर सकता तो वो इस आइलैंड से चली जाएगी, जिस पर रॉर्क कहता है कि वो कर सकता है एंड इट इज मोर लाइक अ चैलेंज फॉर हिम। और ग्वेन से सारी डिटेल्स मांगता है रिगार्डिंग उसके पार्टनर को लेकर, और साथ ही उसके बच्चे के बारे में भी कि उसे लड़का चाहिए या लड़की, जिसे स्टार्टिंग में तो ग्वेन को ये सबसे बकवास लगता है कि वो कैसे ये सब पूरा करेगा, बट फिर भी वो उसे सब कुछ बताती है किसी एलन नाम के पर्सन के बारे में, जिसे उसने 5 साल पहले ब्रेकअप कर लिया था। और सारी डिटेल्स लेने के बाद रॉर्क उसे एक दरवाजे को ओपन करने के लिए कहता है कि उस दरवाजे को ओपन करने के बाद उसकी सारी फैंटेसी शुरू हो जाएगी। और जब वो उस दरवाजे को ओपन करती है तो वो दरवाजा उसे लीड करता है एक रेस्टोरेंट में, जहाँ पर वो एलन से पहली बार मिली थी। एंड सरप्राइजिंगली यहाँ पर एलन भी मौजूद होता है, जिसे देखकर ग्वेन काफी सरप्राइज होती है कि आखिर उसने ये सब कैसे किया।
और साथ ही वो एलन से भी माफी मांगती है कि रॉक ने उसे इन सब में घसीटा उसकी फैंटेसी के लिए। पर एलन उसे नॉर्मली बात कर रहा होता है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, इवन कि इसे तो अपना ब्रेकअप भी याद नहीं होता जो कि इन दोनों ने 5 साल पहले किया था। और इसीलिए इस बात का आंसर जानने के लिए ग्वेन रॉक के पास जाती है कि वो ये सब कैसे कर सकता है, क्योंकि इसे लग रहा होता है कि एलन सिर्फ एक्टिंग कर रहा है और वो एक फेक रिलेशनशिप में तो कतई नहीं रहना चाहती। जिससे रॉक उसे अपनी गलतियों को सुधारने की बात करता है कि ये फैंटेसी एक मौका है अपनी गलतियों को सुधारने का, और इसलिए ये उसे राइट डिसीजन लेने के लिए कहता है फॉर द सेम। और अगली फैंटेसी होती है मेलनी की, जहाँ पर उसे रिवेंज लेना होता है किसी स्लोन नाम की लेडी से। और रॉक उसके फैंटेसी के लिए उसे एक रूम में जाने के लिए कहता है, और यहाँ पर मौजूद होती है वही लड़की जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था किडनैप होते हुए। और मेलनी इसे होलोग्राम समझकर उसे टॉर्चर करने लगती है, और साथ ही अलग अलग बटन्स को दबाने पर उसके प्राइवेट लाइफ की वीडियो को वो सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर देती है। और इसी पोस्ट को जब उसका हस्बैंड देखता है तो वो फोन करता है स्लोन को और उसे पूछता है कि वो 2 दिन से कहाँ पर है। और ये 2 दिन से मिसिंग होने वाली बात सुनकर मेलनी थोड़ी सी डर जाती है, क्योंकि रॉक ने उसे सच में किडनैप करके लाया होता है उसकी फैंटेसी के लिए। और इसलिए मेलनी उसे ये सब कुछ बंद करने के लिए कहती है, जो कि इसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता। और पैट्रिक को लेकर जाता है एक जंगल में, क्योंकि उसकी फैंटेसी होती है एक सोल्जर की तरह जीना, उनकी तरह एडवेंचर करना लाइक हिज डैड। और जैसे ही रॉक उसे जंगल में छोड़कर जाता है, पैट्रिक को यहाँ पर मिलता है एक और पर्सन, और ये पर्सन वही होता है जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। और ये यहाँ पर इसे वार्न करने की कोशिश करता है जंगल से भागने के लिए, बट पैट्रिक उसकी बात ठीक तरह से समझ नहीं पाता। और ठीक यहीं पर आते हैं कुछ सोल्जर्स, जो कि उसे अपने साथ ले जाते हैं बंदी बनाकर। और स्टार्टिंग में पैट्रिक इस बात का विरोध भी नहीं करता, क्योंकि इसे लग रहा होता है कि ये सब सिर्फ उसके एक फैंटेसी का ही हिस्सा है। बट जब वो अपने डैड को यहाँ पर देखता है और वो भी जिंदा, तो ये थोड़ा सा डर जाता है और ये भी रॉक को आवाज लगाने लगता है ये सब कुछ बंद करने के लिए। और ठीक यहीं पर होती है नक्सली अटैक, जिसमें गोलीबारी में कुछ सोल्जर्स मर जाते हैं। और ये सारी घटना देखकर ये पूरी तरह से डर जाता है, क्योंकि ये सब कुछ कोई फैंटेसी नहीं होती, बल्कि ये सब कुछ असल में हो रही होती है। और जैसे ही इसे भी गोली लगती है, ये डर की वजह से यहाँ पर हो जाता है बेहोश। तो वही मेलनी की भी सेम ही हालत हो रही होती है डर से, और उससे बचने के लिए वो रॉक को कॉल लगाने लगती है कि वो ये सब कुछ बंद करे। और ठीक यहीं पर आता है एक जल्लाद टाइप का पर्सन, और स्लोन को और भी ज्यादा टॉर्चर करने लगता है, लाइक उसके बॉडी पार्ट को काटना। इसलिए मेलनी उसे बचाने के लिए उस दूसरे पर्सन को अलग अलग तरह से उलझाती है, और फिर उसे करंट लगाकर बेहोश कर देती है स्लोन को वहां से निकालने के लिए। और उसे छुड़ाकर ये दोनों ही भाग जाते हैं जंगल के अंदर। और सीन यहाँ से शिफ्ट होती है इन दोनों की तरफ, और यहाँ पर भी हमें फायरिंग देखने को मिलती है, जिससे बचने के लिए ये लोग पैनिक रूम की तरफ जाते हैं और कॉल लगाते हैं मिस्टर रॉक को कि वो उन्हें यहाँ से निकाले, जो कि इन्हें कहता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता। और इन्हें रूल नंबर 2 के बारे में बताता है कि उन्हें अपनी फैंटेसी को एंड तक जीना होगा, फिर चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। और वो लोग इन्हें बंदी बना लेते हैं बंदूक की नोक पर। तो वही स्लोन यहाँ पर मेलनी से पूछने लगती है कि वो यहाँ पर कैसे आई, एंड ऑफ कोर्स ये उसे झूठ बोलने लगती है कि उसे भी यहाँ पर किडनैप करके लाया गया था, क्योंकि अगर उसने सच बोला तो इसी पर क्वेश्चन उठने लगेंगे कि वो ये सब कैसे कर सकती है सिर्फ उससे बदला लेने के लिए। और ठीक यहीं पर एक बार फिर से आता है वो डॉक्टर और स्लोन को मारने की कोशिश करता है, जिनकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आता है ये पर्सन, और इन्हें अपने साथ चलने के लिए कहता है अगर वो जिंदा रहना चाहते हैं। और साथ ही पैट्रिक से भी पूछताछ कर रहा होता है उसका डैड कि उसके पास उसकी फोटो कहाँ से आई और उसके नेम टैग पर उसका नाम क्यों लिखा है, जिससे पैट्रिक उसे सब कुछ एक्सप्लेन करता है अपने और इस आइलैंड के बारे में, और बताता है कि वो अपनी फैंटेसी को फुलफिल करने के लिए यहाँ पर आया था। और साथ ही ये उसे उसकी डेथ के बारे में ही बताता है कि उनकी वेनेजुएला में मौत हो जाएगी अपने साथियों को बचाते हुए। और सरप्राइजिंगली ये सब उसी जगह की ओर जा रहे होते हैं, और कल तक ये सब पहुँच जाएंगे उसी जगह पर। और सीन यहाँ से शिफ्ट होती है अगले दिन में, जहाँ पर जब ग्वेन उठती है तो वो थोड़ी सी सरप्राइज होती है अपने हस्बैंड की फोटो देखकर, बट इसे अभी भी लग रहा होता है कि ये सब सिर्फ फोटोशॉप का कमाल है, और इसलिए ये रॉक से मिलने के लिए जाती है ताकि उसे पूछ सके कि आखिर उसने ये सब कैसे किया। जिस पर रॉक कहता है कि ये कोई फोटोशॉप नहीं है, बल्कि उसके साथ इस सच में हुई थी 5 साल पहले, और साथ ही उसकी अब एक बेटी भी है। जिससे ग्वेन काफी सरप्राइज होती है कि ये सब पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि वो एलन से कल ही मिली होती है उस रेस्टोरेंट में। और इस बात पर रॉक उसे इस मैजिकल आइलैंड के बारे में बताता है कि वो किसी की भी विश को फुलफिल कर सकती है, जैसे कि उसने उसकी विश को फुलफिल की उसकी मरी हुई वाइफ को फिर से जिंदा करके, और कहता है कि जब तक वो इस आइलैंड में है तब तक उसकी वाइफ जिंदा रहेगी। और यहाँ पर एक बात समझने वाली होती है कि जब तक एक पर्सन उस आइलैंड में रहता है तब तक उसकी फैंटेसी अलाइव रहती है। और कहानी यहाँ से शिफ्ट होती है पैट्रिक की तरफ, जहाँ पर उसका डैड भाग रहा होता है ताकि वो मरने से बच सके।
और इस बात का विरोध करता है पैट्रिक कि वो इस तरह से डरपोक की तरह नहीं भाग सकता, जिससे इन दोनों के बीच में थोड़ी सी संघर्ष होती है। और एक तरह से पैट्रिक का डैड सही भी होता है, क्योंकि अगर वो यहाँ से निकल कर गया तो वो अपनी बची कुछ लाइफ जी सकता है अपनी फैमिली के साथ। और साथ ही पैट्रिक भी यहाँ पर सही होता है, क्योंकि अगर उसके डैड इस मिशन को यहीं पर छोड़कर यहाँ से जाते हैं तो उनके सारे साथी मारे जाएंगे। और इसलिए ये उसे रोकता है कि वो ऑलरेडी जानते हैं कि उनकी मौत कैसे होगी, और इस बारे वो इस घटना को होने से पहले ही अवॉइड कर सकते हैं। और फिर से यहाँ से शिफ्ट होती है इन दोनों की तरफ, जिसे पूछताछ कर रहा होता है एक माफिया कि वो उसके घर में कैसे घुसा। और जब ये उसे सच बताता है तो उसे ये लगता है झूठ, और सच जानने के लिए वो उन्हें टॉर्चर करने लगता है एक नाइफ लेकर, जिससे ये उसे झूठ बोलते हैं कि वो उसके ड्रग्स और पैसे को चुराने के लिए आए थे और उन्होंने उसे एक जगह पर छुपा कर रखा है। और ये बात सुनते ही वो पर्सन ड्रैक्स को अपने साथ ले जाता है उस जगह की ओर। और सीन यहाँ से शिफ्ट होती है ग्वेन की तरफ, जो कि एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही होती है अपने फैमिली के साथ। और कुछ बातों को लेकर इसे रियलाइज होता है कि यह सब कुछ रियल नहीं है, फिर चाहे वो कितना भी रियल क्यों ना लगे। और इसलिए वो सीधा रॉर के पास जाती है ताकि वो अपनी फैंटेसी को चेंज करवा सके, जो कि उसे साफ साफ मना कर देता है कि वो उसकी फैंटेसी को चेंज नहीं कर सकता। एंड एज पर रूल नंबर 1, वो हर एक गेस्ट को सिर्फ एक ही फैंटेसी दे सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो वही ये पर्सन इन्हें लेकर जाता है एक गुफा जैसी जगह पर, जहाँ पर इस आइलैंड का होता है पावर सोर्स, एक तरह का क्रिस्टल जिसे टपक रहे पानी को पीने पर वो क्रिस्टल उनके सारे विशेष को फुलफिल कर सकती है। पर वो क्रिस्टल सिर्फ एक ही पर्सन की बात को मानता है, और वो पर्सन होता है रॉर्क, जिसके कहने पर ये आइलैंड सबकी फैंटेसी को फुलफिल करती है। और ये खुद के बारे में बताता है कि वो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है, जो कि इस आइलैंड में सच जानने के लिए आया था किसी पर्सन के कहने पर। और जब वो यहाँ पर आया तो उसने अपनी मरी हुई बेटी को जिंदा पाया, जो कि जल्दी ही एक ब्लैक कलर की ज़ॉम्बी में बदल गई जब वो यहाँ से जाने लगा। और साथ ही रॉर्क ने उससे उसका सैटेलाइट फोन भी तोड़ दिया, ताकि वो किसी को भी इन्फॉर्म ना कर सके इस बारे में। और ये मेलनी को एक नंबर देता है ताकि वो यहाँ से निकलने के लिए एक प्लेन बुला सके, क्योंकि वो अभी भी एक गेस्ट होती है इस आइलैंड की। और ये गेस्ट वाली बात सुनकर स्लोन यहाँ पर थोड़ी सी सरप्राइज होती है, क्योंकि मेलनी ने उसे कहा था कि उसे भी यहाँ पर किडनैप करके लाया गया है, जिससे इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत खिचखिच होती है इस बात को लेकर। बट इन दोनों का ही अल्टीमेट होता है इस आइलैंड से निकलना। वही ग्वेन भी ये सब कुछ रोकने के लिए जाती है जूलिया के पास, ताकि उसे वो कोई रास्ता बता सके ये सब कुछ बंद करने का। और उससे कहती है कि वो यहाँ पर अपने हस्बैंड के लिए नहीं आए थे, बल्कि एक इंसिडेंट को रोकने के लिए आए थे, जिसमें उसकी वजह से एक पर्सन की हो जाती है मौत। और जूलिया इस बात का सोल्यूशन बताती है कि उसे ऐसे करने के लिए एक नई फैंटेसी की जरूरत नहीं, बल्कि उसे बस अपनी प्रेजेंट फैंटेसी को चेंज करना है। जिससे ग्वेन सीधा जाती है जॉर्क के पास, और उससे भी सेम चीज कहते हुए कन्विंस करती है कि उसकी फैंटेसी उसके हस्बैंड के साथ होना नहीं है, बल्कि कुछ और ही था। जिससे जॉर्क को उसकी बात माननी ही पड़ती है, और ग्वेन की फैंटेसी उसे लीड करती है एक अपार्टमेंट में, जहां पर लगी होती है आग। और उस आग को बुझाने के लिए ग्वेन यूज करने की कोशिश करती है एक फायर एक्सटिंग्विशर को, पर वो ऐसा नहीं कर पाती आग के और भी बढ़ने पर। इसलिए वो अगले फ्लोर की ओर भागती है किसी निक नाम के पर्सन को बचाने के लिए, जो कि हेल्प के लिए आवाज लगा रहा होता है। बट दरवाजा बंद होने के कारण ग्वेन उसे खोल नहीं पाती, इसलिए वो हेल्प मांगने के लिए जाती है एक ऑफिसर से, जो कि होता है पैट्रिक, और उसे फायर डिपार्टमेंट के आने का वेट करने के लिए कहता है कि हीरो बनने की कोई भी जरूरत नहीं। पर ग्वेन उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानती और सीधा अंदर जाती है निक को बचाने के लिए, जहां पर ये सीढ़ियों में मिलती है जेडी और ब्रैक्स को, बट ये भी उसकी हेल्प नहीं करते, जिससे ये अकेले ही जाती है उस पर्सन को बचाने। बट धुएं की वजह से ये वहीं पर हो जाती है बेहोश। और यहाँ पर हमें एक चीज समझ में आती है कि ये सभी कैरेक्टर्स किसी न किसी वजह से इस एक्सीडेंट से जुड़े हुए हैं। तो वहीं इस आइलैंड में हमें देखने को मिलती है काफी अच्छी फाइट सीन, जब सभी लोगों की फैंटेसी आपस में उलझने लगती है, और जेडी और ब्रैक्स को बचाने के लिए यहाँ पर आते हैं पैट्रिक और उसके डैड। और उन्हें बचाने के लिए जब वो उन सभी गैंगस्टर को मारते हैं, तो वो लोग मरने की जगह ब्लैक कलर के फ्लूइड में बदल जाते हैं। और सिंस की वो लोग मर नहीं सकते, वो बस आगे बढ़ते रहते हैं उन सभी को मारते हुए, जिससे यहाँ पर जेडी की हो जाती है मौत, और साथ ही पैट्रिक के डैड की भी मौत हो जाती है पैट्रिक को बचाते हुए। और सीन यहाँ से शिफ्ट होती है मेलनी और स्लोन की तरफ, जो कि इस आइलैंड से निकलने के लिए कॉल लगाने लगते हैं स्लोन के हस्बैंड को। और स्लोन उसे सब कुछ एक्सप्लेन करते हुए सॉरी कहती है उसे धोखा देने के लिए, और उसके जरिए एक प्लेन बुलाती है इस आइलैंड पर, ताकि वो सब यहाँ से निकल सके। तो वहीं ग्वेन जब होश में आती है तो वो सीधा जाती है रॉर के पास, जहां पर ये सभी लोग भी होते हैं अपने क्वेश्चन का आंसर जानने। और ग्वेन इन सभी मौत का जिम्मेदार बताती है किसी निक नाम के पर्सन को, कि ये सब उसकी फैंटेसी है और वो ही उन्हें यहां पर लेकर आया है उन्हें मारने के लिए, क्योंकि वो सभी लोग जिम्मेदार होते हैं उस निक नाम के पर्सन की मौत का। और ग्वेन की इन सारी बातों को सुनकर रॉर कहता है कि वो सच कह रही है, और वो लोग सच में किसी और ही पर्सन की फैंटेसी जी रहे हैं, जो कि तभी खत्म होगी जब उन सभी लोगों की मौत होगी।
और ठीक यहीं पर आती है एक प्लेन जिसे ये सभी लोग भागने लगते हैं ठीक उसी की तरफ ताकि वो इस आइलैंड से निकल सके। बट इससे पहले वो प्लेन लैंड करती उसे हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। साथ ही इन लोगों पर भी अटैक किया जाता है क्योंकि उनका मेन एम होता है इन सभी लोगों को मारना, और इसलिए ये सभी लोग बचकर भागने लगते हैं एक गुफा की तरफ जहाँ पर होता है वो फाउंटेन, ताकि उसे डिस्ट्रॉय करके ये सब कुछ खत्म कर सके। बट ऐसा करना आसान बिल्कुल भी नहीं होता और इन सब पर अटैक करते हैं उन्हीं की फैंटेसीज ताकि वो उन्हें रोक सके उन फाउंटेन्स को डिस्ट्रॉय करने से। और ग्वेन को इसी जगह पर दिखाई देता है निक, जिससे वो सॉरी कहती है कि वो उसे बचा नहीं पाए और साथ ही वो उन सबको छोड़ने की रिक्वेस्ट करती है फिर चाहे वो उसकी जान ले ले। जिस पर निक कहता है कि उन सबको यहाँ पर उसने नहीं बुलाया और ना ही ये उसकी फैंटेसी है। और उसकी ऐसा कहते ही पैट्रिक पर अटैक करती है मेलनी क्योंकि ये उसी की फैंटेसी होती है सभी लोगों को मारना। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो निक को लाइक किया करती थी और जिस दिन वो मिलने वाले थे एक डेट पर ठीक उसी दिन निक की हो जाती है मौत। और इन सब के लिए मेलनी जिम्मेदार मानती है इन सभी लोगों को जिसने उसे बचाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की, जिससे किसी तरह से उसे ग्रेनेड और चाकू को छीनकर यहाँ से भागने लगते हैं उस फाउंटेन को डिस्ट्रॉय करने। और जब ये वहाँ पर जाते हैं तो इन्हें रोकने के लिए यहाँ पर आता है रॉर्क और उनको बातों में उलझाकर उस ग्रेनेड को उनसे छीन लेता है ताकि वो उसका यूज न कर सके, क्योंकि अगर वो फाउंटेन एक बार खत्म हो गया तो उसकी वाइफ हमेशा हमेशा के लिए मर जाएगी। जिसे ग्वेन उसे एक लास्ट बार समझाने की कोशिश करती है कि इस तरह से वो अपनी वाइफ को सिर्फ दर्द और मौत दे रहा है हर दिन, और सिर्फ वही इस साइकिल को रोक सकता है और इसलिए वो उसे रिक्वेस्ट करती है उनकी हेल्प करने के लिए। बट रॉर्क उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता और सॉरी करके यहाँ से जाने लगता है। और सिर्फ यही बात जब रॉर्क की वाइफ भी उसे कहती है तो वह फाइनली उसकी हेल्प करने के लिए आगे आता है और एक विश स्लोन को भी देता है क्योंकि उसने अभी तक अपनी कोई भी विश नहीं मांगी होती। और स्लोन विश मांगती है कि मेलनी अपने लवर निक के साथ रहे, और उसके ऐसा कहते ही मेलनी को फाउंटेन के अंदर खींच लेता है निक, और उसके जाते ही उसके फैंटेसी के सारे कैरेक्टर्स खत्म होने लग जाते हैं। बट वो इतनी आसानी से नहीं मरती और उस फाउंटेन से निकलकर एक ग्रेनेड फेंकती है इन्हें मारने के लिए, और सबको बचाने के लिए उस पर कूद पड़ता है पैट्रिक जिससे उसकी यहाँ पर हो जाती है मौत। और बाकी के सभी लोग अगले दिन रेडी होते हैं यहाँ से जाने के लिए। बट जाने से पहले स्लोन रॉर्क से पूछती है कि क्या उसे डर नहीं लगता कि उसके जाने के बाद वो लोग उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं, और इस बात का आंसर देते हुए रॉर्क कहता है कि उनके यहाँ से जाते ही उनकी सारी मेमोरीज धुंधली पड़ जाएंगी और ना तो उन्हें ये जगह याद रहेगी और ना ही वो खुद। और इन तीनों में से ये ब्रैक्स को एक विश देता है सिंस की उसने अभी तक अपनी विश नहीं मांगी होती। बट उस विश को मांगने का एक कंडीशन होता है कि उसे हमेशा के लिए ही उस आइलैंड पर रुकना होगा। और ब्रैक्स का विश होता है अपने भाई जीजी को वापस पाना जो कि उन दोनों के साथ निकल जाता है इस आइलैंड से बाहर। और ये मूवी यहाँ पर हो जाती है खत्म। एंड आई होप यू गाइस एंजॉय। तो मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर, सी यू।